मैं बोला शील शुक्ला, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं सुर्खियों का। होमगार्ड को अपनी नौकरी से धोना पड़ा हाथ, एक झटके में बेरोजगार हुए 25,000 होमगार्ड। योगी सरकार ने खत्म की होमगार्डों की ड्यूटी। यूपी पुलिस और बाकी विभागों ने घटाई होमगार्डों की संख्या, अब तक 40,000 होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त। बजट का हवाला देकर खत्म की गई ड्यूटियां। बजट को बैलेंस करने के लिए होमगार्डों की छटनी की गई। होमगार्डों की संख्या में भी 32% तक की कटौती की गई है। एडीजी के आदेश के बाद 25,000 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 25 दिन के बजाय 15 दिन की ही मिलेंगी ड्यूटी। बजट पर अतिरिक्त भार बढ़ाने की बात कहकर ड्यूटी खत्म कर एक झटके में बेरोजगार कर दिए गए 25,000 होमगार्ड। अब से 25 दिन के बजाय सिर्फ 15 दिनों की ही बजट पर अतिरिक्त भार बढ़ाने की बात कहकर ड्यूटी से छुट्टी कर दी गई। एक झटके में बेरोजगार हुए 25,000 होमगार्ड। होमगार्ड को अपनी नौकरी से अब हाथ धोना पड़ गया। एक झटके में बेरोजगार हुए 25,000 होमगार्ड। योगी सरकार ने होमगार्डों की ड्यूटी खत्म कर दिया। एक झटके में 25,000 होमगार्डों की ड्यूटी छीन लिया। यूपी पुलिस और बाकी विभागों ने घटाई होमगार्डों की ड्यूटी। अब तक सिर्फ 40,000 होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त। बजट का हवाला देकर यूपी सरकार ने ड्यूटी छीन ली। बजट को बैलेंस करने के लिए होमगार्डों की छटनी। होमगार्ड की संख्या में भी 32% तक की कटौती। एडीजी के आदेश के बाद 25,000 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब सिर्फ 25 दिन के बजाय राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या इन होमगार्ड किसी प्रकार के राहत योजना की भी घोषणा की है या फिर इन्हें सीधे सीधे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तर्ज पर निकालकर बाहर कर दिया गया है? देखिए, बताएं, फिलहाल इनको बाहर कर दिया गया है, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। बजट का हवाला देते हुए योगी सरकार ने इन 25,000 होमगार्डों की छुट्टी कर दी है। अब तक कुल संख्या 40,000 हो गई है जिनकी ड्यूटी समाप्त कर दी गई, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कई अन्य विभाग जहां पर होमगार्ड सुरक्षा में तैनात है वहां से भी उनको हटा दिया गया है। तो एक बड़ी निराशा है, दीपावली के पहले होमगार्डों पर एक बड़ी गाज गिरी है जिनको अचानक से बेरोजगार कर दिया गया है। जी, एक झटके में 25,000 होमगार्डों की नौकरी छीन ली गई है। क्या इस सरकार के निर्णय पर हटाए गए होमगार्ड कानूनी मदद के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस संख्या में हटाए गए हैं उनके पास फिलहाल कोई और आगे कोई रास्ता नहीं है सिवाय कोर्ट जाने का। तो माना यही जा रहा है कि योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में जितने भी होमगार्ड है वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से वो होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे, जगह जगह अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसे में एक झटके में उनको हटा देना, कहीं ना कहीं जो जितने भी होमगार्ड है वो कोर्ट की शरण में जरूर जा सकती है सरकार के फैसले के विरोध में। जी राहुल, जहां सरकार एक तरफ बेरोजगार देने की बात करती है तो वहीं सरकार ने एक झटके में 25,000 नौकरियां छीन लिया, तो इस पर क्या कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पर एक तरफ जहां वायदे हो रहे हैं कि जितने भी बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस होमगार्डों को ड्यूटी से हटाया गया है कहीं ना कहीं सरकार के चटनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो 25,000 होमगार्ड हटाए गए हैं वो अगला स्टेप क्या लेते हैं, क्या अगला कदम उठाते हैं ये देखना होगा, क्या सरकार के फैसले के विरोध में वो कोर्ट जाते हैं या कोई अन्य रास्ता अपनाते हैं अपनी बात रखने के लिए। जी, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो एक झटके में बेरोजगार हुए 25,000 होमगार्ड। योगी सरकार ने खत्म कर दी होमगार्डों की ड्यूटी। जहां यूपी पुलिस और बाकी विभागों ने घटाई होमगार्डों की संख्या, अब तक 40,000 होमगार्ड की ड्यूटी समाप्त कर दी गई। बजट का हवाला देकर इसकी ड्यूटी होमगार्डों की ड्यूटी खत्म की गई है।
बजट को बैलेंस करने के लिए होमगार्डों की छटनी की गई है। होमगार्ड की संख्या में भी 32% तक की कटौती कर दी गई है। एडीजी के आदेश के बाद 32,000 होमगार्ड की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस वक्त हम आपको ब्रेकिंग बता रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। बजट पर अतिरिक्त भार बढ़ने की बात कहकर 25,000 होमगार्डों की ड्यूटी खत्म कर दी गई है, छीन ली गई है। एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं 25,000 होमगार्ड। रुक करते हैं।